श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी क्राकव जौनपुर। ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय है इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ लेसन वन ए गर्ल विद द बास्केट। ए गर्ल विद द बास्केट का पाठ है, ये प्रोज है पहला लेसन का। बच्चों पहले मैं इस पाठ के बारे में कुछ कहानी आपको सुनाऊंगा शॉर्ट में, तब आपको इसका विधिपूर्वक बताऊंगा। यह कहानी जो है जो शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों, जिस समय भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था उसी समय कहानी है। उस समय सन 1950 की यह कहानी है बच्चों। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उसी समय यूएसए का जज है विलियम सी डगलस, जो कि हमारे देश में भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। उसने देखा कि भारत के नसों को टटोलने के लिए कोशिश कर रहा था। जो ही वह घूमते घूमते कई स्टेशनों से गुजरा, तो जिस समय बच्चों बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान से जितने भारतीय थे हिंदू भागकर भारत में बसने के लिए आ रहे थे, जो आ रहे थे वे शरणार्थी थे, बहुत काफ़ी संख्या में आए, लगभग 90 लाख लोग बच्चों उस समय आ रहे थे। उन्हीं शरणार्थियों के कुछ बच्चे जो है इधर उधर टहल रहे थे, तो लेखक की मुलाकात जो है उन भारतीय शरणार्थी बच्चों से हुई। जो बच्चे बहुत गरीब थे, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे अपनी जीविका चलाने के लिए। जिस समय विलियम सी डगलस से उन शरणार्थी बच्चों से भेंट हुई या मुलाकात हुई, तो उन्होंने देखा कि जितने बच्चे हैं उनमें से एक छोटी बच्ची थी, वे बड़ी ईमानदार थी। लेखक ने उस बच्ची को कुछ सामान न लेकर के उसे उपहार के रूप में कुछ पैसों को देना चाह रहा था कि हम सामान नहीं ले पा रहे हैं छोटी बच्चों का शरणार्थियों के, तो कम से कम उनके उपहार के रूप में कुछ दे दें। जो ही लेखक ने छोटी बच्ची की टोकरी में जो 9 वर्ष की थी, बड़े गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो वह उनके पैसों को एक ईमानदार बच्चों की भांत वापस कर दी। तो बाध्य होकर के विलियम सी डगलस को उस बच्ची की टोकरी को लेना पड़ा। उसी से उन्हें जो है बड़ा भारत देश से प्रेम हो गया। यह कहानी जाकर उन्होंने हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया, और यह सुनकर बड़ा वे प्रभावित हुए। बच्चों यही पूरी कहानी है, उसी में से एक पैरा मैं आपको आज बताऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद जो हिंदी की बात तो इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एज एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, मेरे बात करने का सिलसिला अचानक रुक गया। इंटरप्टेड माने क्या होंगे, कोई चीज़ जब अचानक बात करने कोई और रुक जाती है, कहते हैं नहीं इंटरफियर करना, तो ये इंटरप्टेड है। एकाएक
बात करने का सिलसिला, क्योंकि कवि लेखक जहाँ पर जिस स्टेशन पर उतरता था कुछ न कुछ लोगों से बातें किया करता था, लेकिन उसका बात करने का सिलसिला एक स्टेशन का एज सुन एज जो ही एज सुन एज का अर्थ होता है जो ही आई लाइटेड जो ही आई माने मैं माने का लेखक जो ही लेखक ट्रेन से उतरा ए ग्रुप ऑफ द यंग चिल्ड्रेन गैदर अराउंड मी। लेखक ने कहा जो ही मैं स्टेशन से उतरा तो बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घिर लिया। जो बच्चे लेखक को घेर लिए थे दे वेयर सेलिंग बास्केट हैंड टू हैंड एंड रीड बास्केट। जो बच्चे लेखक को घिरे हुए थे वे अपनी टोकरियों को जो हाथ से बनी हुई थी नरगट की जो साधारण आकार की थी उसी को बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई वे अपनी अपनी टोकरियों को ऊपर किए हुए थे एंड शाउटिंग वर्ड्स अपनी भाषाओं में चिल्ला रहे थे आई डिड नॉट नो कन्वेइंग। लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहा था। उनकी बातों को डिजायर से इच्छाएं होती है उनके बारे में वह कुछ नहीं समझ पा रहा था। ये तो हुआ आपका पूरा हिंदी। अब इसको पढ़ने के बाद हमको पता चल जाना चाहिए कि किस लेसन का है। तो हमने बता दिया ए गर्ल विद बास्केट का है, इसके राइटर कौन है, आर्थर कौन है, विलियम सी डगलस। तो आपको भली भांति से परिचित हो गए इंटर फर्स्ट ईयर में उसी के हिसाब से मैंने लिखा है रिफरेंस। तो आप पहले लिखेंगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस लाइन हैव बीन लाइन नहीं लाइन्स बहुत सी लाइन लेते हैं तो टेकन फ्रॉम द लेसन ए गर्ल विद द बास्केट। ए गर्ल विद बास्केट का अर्थ होता है टोकरी वाली लड़की। टोकरी वाली लड़की है राइटेड बाय विलियम सी डगलस। किसके द्वारा रचित है, विलियम सी डगलस के। फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे इसकी पूरी थोड़ा सा सार निकालेंगे अंश यहाँ पर लिखेंगे। देखा आर्थर वार ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन, इसमें दिया कि लेखक जो स्टेशन से एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। आर्थर वाज ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन एट एवरी रेलवे स्टेशन ही स्टेप डाउन। यहाँ दिया है एलाइटेड है, एलाइटेड माने नीचे उतरना, गार्ड डाउन माने उतरना। तो हमने बच्चों यहाँ लिख दिया है कहाँ गया स्टेप डाउन। प्रत्येक स्टेशन उतरता था ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वॉक्ड देयर एंड वॉक्ड देयर वहाँ दिया है वॉक्ड देयर। देयर एट टू स्टेशन ए ग्रुप ऑफ द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन गैदर अराउंड हिम। यहाँ दिया है ए ग्रुप वहाँ से दिया है ए ग्रुप ऑफ द यंग चिल्ड्रेन यहाँ दिया गैदर अराउंड मी सराउंड गैदर के स्थान पर सराउंड सराउंडेड मी मुझे चारों तरफ क्या किए घेर लिए। कुछ करना नहीं कि शब्द को दूसरे शब्द को बदल कर रखते हैं अर्थ वही रहता है। अब आपकी आती है व्याख्या के बारे। तो यहाँ दिया है एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द इंटरप्रेट। आप लिखें द आर्थर कौन रुका, यहाँ तो दिया नहीं है लेकिन आप अपने बोलेंगे द आर्थर वाज द आर्थर गार्ड डाउन एवरी स्टेशन यहाँ तक हो गया एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म और क्या करता था वह प्लेटफॉर्म चलता था एंड टॉक टू पीपुल और लोगों से क्या किया करता था बातें। फिर इसी लाइन में है द पीपुल वाज इंटरप्टेड तो हो गया पीपुल बट वन स्टेशन द आर्थर वाज कुड नॉट डू सो लेकिन ऐसा नहीं किया ऐसा नहीं किया। फिर लाइन से आएंगे आई सुन एज है यहाँ पर आई सुन एज है तो हमने वहाँ पर भी लिखा आई सुन एज ही गेट डाउन जो ही वो नीचे उतरा। गेट डाउन का एलाइटेड होता है एलाइटेड नीचे उतरना, गेट डाउन माने नीचे उतरना होता है, जम्प्ड डाउन माने नीचे उतरना होता है। लिख दिया गेट डाउन एट
स्टेशन, एक ग्रुप ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन, एक ग्रुप ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रेन। तो यंग चिल्ड्रेन का मतलब वहाँ दिया है एक ग्रुप ऑफ, तो आप उतना ले लेंगे वहाँ से, वहाँ ऊपर लाइन है एक ग्रुप ऑफ द यंग चिल्ड्रेन, तो यहाँ यंग के स्मॉल चिल्ड्रेन गदर अराउंड मी, सराउंडेड अराउंड मी, सराउंडेड अराउंड मी, यहाँ से हो गया ऑल ऑफ देम, कहाँ गया दे हेल्ड द बास्केट, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दे हेल्ड द बास्केट, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम मतलब सभी बच्चों की बात चल रही है, तो यहाँ बच्चों की बात है, ऑल ऑफ देम, होल्ड का हेल्ड होता है, फोन आता है बोलते हैं कि हेल्ड होल्ड पकड़िए रहिए, हेल्ड हैंड वुमेन बास्केट, हाथ से बनी हुई टोकरियों को इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में रखी हुई थी, द बास्केट वेयर मेड ऑफ रीड्स, द बास्केट वेयर मेड ऑफ रीड। फिर उसका हुआ एंड शाउटेड इन हिंदी, शाउटेड इन हिंदी, या दे आर कन्विंग देयर डिजायर, शाउटेड देयर हिंदी। आर्थर फेल्ड टू अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स, यहाँ देख कन्वेइंग दिया है, कन्वे के कह कि आई डिड नॉट नो, तो यहाँ पर आर्थर हो जाएगा, आर्थर कन्वेइंग का हो गया डिड नॉट नो हिंदी, डिड नॉट नो हिंदी, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर डिजायर। फिर कहा कि नीचे उठा लेंगे लाइन से, आई डिड नॉट नो हिंदी, फिर उतारेंगे अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, बिकॉज He did not know Hindi. ऐसे बोल देंगे, आर्थर्स डिड नॉट नो हिंदी, कि लेखक ने हिंदी नहीं जानता।